इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा जहां आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह ड्रग्स और वेपन्स ऑर्डर कर सकते हो। एक ऐसा हिस्सा जहां आप किसी को मारने के लिए मर्डरर से लेकर किसी को लाइव टॉर्चर होते हुए भी देख सकते हैं। तो इंटरनेट के इस हिस्से का नाम है डार्क वेब। इंटरनेट का नाम सुनते ही हमारे माइंड में गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ऐसी वेबसाइट्स का नाम आता है। बट इंटरनेट सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से इंटरनेट का असली खेल शुरू होता है। आज जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो केवल इसका 5% हिस्सा है। अब आपको शायद ये बात स्क्रिप्टेड लग सकती है, बट ये आज के डिजिटल वर्ल्ड की सच्चाई है। अगर वीडियो वैल्यूबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरनेट को बेसिकली हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे एक बिल्डिंग है, तो उसका जो टेरेस है जिसे सब देख सकते हैं वो है सरफेस वेब। इसके फ्लैट्स डीप वेब है और उसका बेसमेंट जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती वो है डार्क वेब। तो आज जो हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम से लेकर विकिपीडिया जैसी सैकड़ों वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं वो सब सरफेस वेब के अंडर आती है। आज इंटरनेट पर करीब 2 बिलियन वेबसाइट इंडेक्स है जिन्हें हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बट बिलीव मी, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का केवल 5% हिस्सा है। अब डीप वेब की बात करें तो जाने अनजाने में सही, बट आप इसे ऑलमोस्ट रोज यूज करते हैं। जैसे आप अगर अपनी ईमेल अकाउंट लॉग इन करते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तब आप डीप वेब यूज कर रहे होते हैं। डीप वेब में बेसिकली वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हर कोई नहीं देख सकता। इसे एक्सेस करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है, और इसलिए होता था कि आपके पर्सनल डाटा को सिक्योर रख सके। तो सिंपली जब भी आप इंटरनेट को प्राइवेटली एक्सेस करते हो तो वो डीप वेब है, और डीप वेब पूरे इंटरनेट का 94% हिस्सा है। तो अब इसके बाद आता है इंटरनेट का वो 1% हिस्सा जहां दुनिया भर के इलीगल काम होते हैं और इसे एक्सेस करना आपके और मेरे लिए सेफ नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डार्क वेब की। पर अब आपको एक चीज समझनी होगी कि डार्क वेब कोई नर्क नहीं है जहाँ केवल गलत काम होते हैं। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही डार्क वेब पे भी लीगल और इलीगल दोनों काम होते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि डार्क वेब पर लीगल काम क्या होता है, तो अब उन्हें जानने के लिए हमें सबसे पहले डार्क वेब के वर्किंग मॉडल को समझना होगा। तो देखिए, डार्क वेब पर भी किसी की लोकेशन या मैसेज को ट्रैक कर पाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि डार्क वेब पर सिक्योरिटी की एक एडिशनल लेयर ऐड रहती है जिसे अनियन राउटिंग कहते हैं। जैसे एक प्याज में एक के ऊपर एक लेयर होती है, वैसे ही इन्फॉर्मेशन को भी अलग अलग लेयर से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जब भी कोई डाटा ट्रांसफर होता है तो केवल सेंडर और रिसीवर को पता होता है कि इसके अंदर क्या है। अगर आप डार्क वेब के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि डार्क वेब को हम नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए एक यूनिक ब्राउजर लगता है जिसका नाम है टोर, यानी द अनियन राउटर। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं कि डार्क वेब पर आखिरकार लीगल काम क्या होता है। तो जैसे हमें हमारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है, ठीक वैसे ही गवर्नमेंट को भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन एक से दूसरी जगह शेयर करनी होती है। अब वो एक काम नॉर्मल ब्राउजर से तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने से वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हैकर के हाथ भी लग सकती है, जिसे वो देश के खिलाफ भी यूज कर सकता है। तो ऐसे में सिक्योरिटी रीजंस के चलते वो डार्क वेब का यूज करते हैं, क्योंकि डार्क वेब में एक रीराउटिंग नाम का सिस्टम है, जिससे अगर मान लीजिए आपको इंडिया से अमेरिका मैसेज भेजना है तो वो आपको डायरेक्टली इंडिया से अमेरिका कनेक्ट करने की बजाय इंडिया से जापान, जापान से इंग्लैंड और इंग्लैंड से फिर अमेरिका कनेक्ट करेगा, जिससे आपका ट्रैक होने का कोई भी चांस नहीं है। पर इस चीज का फायदा हैकर्स भी उठाते हैं, वो इसी प्राइवेसी के चलते डार्क वेब पर दुनिया भर के इलीगल काम करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप डाटा ब्रीचिंग की खबरें सुनते हैं तो वो डार्क वेब पर ही बेचे जाते हैं। यहाँ पर इलीगली ऑर्गन्स बेचे जाते हैं, किडनैपिंग होती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है एंड सो ऑन। पर अब एक चीज समझिएगा कि डार्क वेब पर पेमेंट क्रेडिट या डेबिट कार्ड से नहीं किया जाता, बल्कि क्रिप्टो करेंसी में लिया जाता है, क्योंकि कार्ड्स की ट्रांजेक्शन डिटेल्स ट्रैक हो सकती है। पर इसी चीज के आड़ में बहुत सारे स्कैम्स भी डार्क वेब पर हो रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर बुक किया और आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया है, बट आप तक वो आपका ऑर्डर नहीं पहुंचा है, तो आप कंपनी में कंप्लेन कर सकते हो। ज्यादा प्रॉब्लम होने पर आप पुलिस स्टेशन भी जा सकते हो। बट अगर वहीं आपने डार्क वेब पर कोई इलीगल आइटम ऑर्डर किया है और वो आप तक नहीं पहुंचा और आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में अगर आप पुलिस के पास भी जाएंगे कि मेरा आइटम नहीं पहुंचा है,
तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी क्योंकि आपने इलीगल आइटम ऑर्डर किया था, और अनियन राउटिंग के चलते वो स्कैमर कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। तो मैं बस आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक भी गलत लिंक को क्लिक करते ही आप एक बड़े स्कैम का शिकार हो सकते हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दे ताकि वो भी डार्क वेब की दुनिया को समझकर इससे बच सके। ये तो हो गई डार्क वेब की बात, बट मैंने मेरे लेटेस्ट वीडियो में इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो बिग बॉस को एक्सपोज किया है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, लिंक इन द आई बटन।